हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप एक जीबी व्हाट्सएप यूजर्स है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जीबी व्हाट्सएप की इस आई बटन में छिपी ए टू जेड सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही यूजफुल सेटिंग्स है और इन सभी सेटिंग को आप रेगुलर अपने यूज में ले सकते हो। इनमें कुछ ऐसी सेटिंग है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम वीडियो को करते हैं शुरुआत और एक एक करके इन सभी सेटिंग के बारे में जानते हैं। तो गाइस, यहां से हम किसी एक चैट के ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहां आई बटन पर आते हैं। जब आई बटन पर आएंगे, यहां पे ऊपर देख लेंगे आप सबसे ऊपर कस्टम प्राइवेसी। तो गाइस, इस सेटिंग को अगर हम ऑन कर देते हैं तो यहां पर आप देखेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकेंडरी। तो गाइस, अगर इन सभी देख सकते हैं, अगर आप यहां से इसे टिक कर देंगे, सामने वाला व्यक्ति इस चैट पर जब भी कुछ भेजेगा, अगर आप उसे देख लेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू ट्रिक उसके चैट पर शो नहीं होगा कि आपने उसका चैट देख लिया। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप हाइड टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं उस चैट पर, सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि आप चैट टाइपिंग कर रहे हैं। और यहाँ से देखेंगे हाइड रिकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ से हाइड कर देंगे तो उस व्यक्ति का आप रिकॉर्डिंग करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ देखेंगे हाइड व्यू स्टेटस, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपका स्टेटस न देख सके, यहाँ से आप हाइड करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। गाइस, ये रही पहली सेटिंग। अब यहाँ पर देखेंगे आप हाइड कॉन्टैक्ट नाम, दूसरी सेटिंग। तो गाइस, अगर आप यहाँ से इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं, यहाँ पर आप यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ पर जब इस चैट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऊपर इस व्यक्ति का नाम शो नहीं होगा। तो गाइस, जैसा कि मान लीजिए अगर आप इस नंबर पर किसी नंबर पर चैट कर रहे हैं और सामने से कोई आ जाता है तो आपको देखता है, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि नाम ना दिखे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ से हम तीसरी सेटिंग के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगा तीसरी सेटिंग, सिक्योरिटी। तो गाइस, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप केवल एक पर्सनल चैट पर लॉक लगा सकते हैं, जैसा यहाँ से पैटर्न लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, फिंगर लगा सकते हैं। यहाँ से हम लगा देते हैं पैटर्न, देखिए यहाँ से हमने लगा दिया। अब यहाँ से हम बैक आते हैं, जब हम इस चैट को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे केवल एक चैट पर पर्सनल लॉक लग चुका है, यहाँ से हम लॉक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक आते हैं। अब गाइस, हम आगे की सेटिंग के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे नो कॉल। तो गाइस, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो इस नंबर पर जब भी यह व्यक्ति आपको कॉल करेगा तो ऑटोमेटिक कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपके नंबर पर शो नहीं होगा कि यह व्यक्ति आपको कॉल कर रहा था। अगर कोई बार बार आपको परेशान करता है, चाहे वीडियो कॉल हो या वॉइस कॉल, तो आप यहां से इसे ऑन करके रोक सकते हैं कि आपके कॉल नहीं करेगा। अब गाइस, यहां नीचे आते हैं। अब यहां पर देखेंगे आपको म्यूट नोटिफिकेशन, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो गाइस, अगर मान लीजिए कोई बार बार आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है और आप चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको शो ना हो, आपको मालूम ना पड़े कि यह मैसेज आ रहा है, तो यहाँ से आपको इसे ऑफ कर सकते हैं। आठ घंटे के लिए कर सकते हैं, एक वीक के लिए, ऑलवेज के लिए, यहाँ से जो भी आप चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। यह व्यक्ति जब भी नोटिफिकेशन भेजेगा तो आपके होम स्क्रीन पर तो नहीं शो होगा, बाकी मैसेज आएगा आपको। अब गाइस, यहाँ पर देखेंगे आगे की सेटिंग की बात करते हैं, कस्टम नोटिफिकेशन। तो गाइस, यहाँ कस्टम नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर देखेंगे यूज कस्टम नोटिफिकेशन, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से आप देखेंगे नोटिफिकेशन टोन। अगर आप जब भी इस नंबर से जाते हैं कोई अच्छा सा टोन, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, जब फोन आए या मैसेज आए तो यहाँ से आप आसानी से सेलेक्ट करके आप जो भी चाहते हैं यहाँ से ओके करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ से बाहर आते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, कस्टम नोटिफिकेशन इनेबल। तो आपको यहाँ से यह तो हो गया है, यहाँ नीचे देखते हैं मीडिया विजिबिलिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कोई एक व्यक्ति अगर आपके व्हाट्सएप पर कुछ भी फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट सेट करता है, अगर आप चाहते हैं वहाँ आपकी गैलरी में डाउनलोड ना हो, यहाँ आप नो पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डाउनलोड आपकी गैलरी में हो तो यहाँ से करके आप ओके कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पर नीचे आते हैं, देखेंगे डिस्पेरिंग मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से अगर आप इस पर करते हैं, यहाँ आप कमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति जब भी आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे या आप कोई मैसेज भेजें, तो अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स या 7 डे या 90 डे या ऑफ, यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ 24 आवर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप जो भी चैट करेंगे सामने वाले व्यक्ति से, वह ऑटोमेटिक 24 घंटे बाद डिलीट हो जाएगा। तो गाइस, ये रही जीबी व्हाट्सएप की आई बटन की सभी सेटिंग, जो आपकी बहुत ही यूजफुल है। तो गाइस, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो।